हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय क्लासेस। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स बाय डायग्राम्स। इसका जो प्रीवियस एक्सरसाइजेस का सॉल्यूशन है एंड एक्सप्लेनेशन है उसका लिंक नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके देख लेना। और नीचे व्हाट्सएप चैनल का भी लिंक है, वो भी जाके ज्वाइन कर सकते हो फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। सो वीडियो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स बाय डायग्राम्स, जैसे देखो यहाँ इसमें क्या होता है कि एक जैसे या तो सर्कल बना देगा, ओवल बना देगा, या फिर ऐसे रेक्टेंगल बना देगा। एंड देन जो भी इस क्लोज फिगर के अंदर होगा उसको हम लोग एलिमेंट बोलेंगे उस सेट का, जो बाहर होगा उसको एलिमेंट नहीं बोलेंगे। बस इसमें इतना ही समझना। और इन सब को, इस टाइप के रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स को हम लोग बोलते हैं वेन डायग्राम्स। ठीक है, आगे इसका फिर देखते हैं क्या है। देखो इस, मान लो ये एक सर्कल बनाया है, यहाँ देखो कुछ इसके अंदर नंबर्स लिखा है, कुछ इसके बाहर नंबर्स लिखा है। तो अब इसको हम लोग एक सेट में टेबुलर फॉर्म में कैसे लिखेंगे? देखो इस पूरे सर्कल का नाम क्या है, ए। ए के अंदर कौन कौन सा नंबर है, 0, 2, 4 एंड 6। तो ये हमारा ए का एलिमेंट हो जाएगा, और ये 5 और 1 ये बाहर है तो ये नहीं होगा एलिमेंट। रिप्रेजेंटेशन ऑफ टू सेट्स इन द सेम डायग्राम, दो सेट है इन दोनों को, जैसे यहाँ देखो दो सेट है ए और बी, इसको हम लोग को सेम डायग्राम में रिप्रेजेंट करना है। तो एक सर्कल बनाएंगे, देन इसी के साथ कॉमन लेके दूसरा सर्कल बनाएंगे। और जैसे देखो ए में क्या है, 1, 2, 3, 4 आ रहा है, बी में 2, 4, 6, 8, 10 आ रहा है। पहले वाला में क्या है, 1, 2, 1, 2, 3, 4 कर दिए। देन ऐसे करके बनाएंगे कि कुछ पोर्शन इसका भी कवर कर ले, जिसमें कि 2 और 4 भी आ जाए, 2, 4 इसमें भी है, 2, 4 इसमें भी है। बाकी का सारे नंबर्स इंडिविजुअल अलग अलग में हम लोग लिख देंगे। बस ऐसे ही इस वाले सेट को यहाँ पे हम लोग रिप्रेजेंट कर दिए। कुछ अब इसका एक्सरसाइज में देखते हैं क्या है। देखो यहाँ ऐसे समझो, सिंपल क्लोज ज्योमेट्रिकल फिगर्स यूज टू रिप्रेजेंट सेट्स आर कॉल्ड वेन डायग्राम्स। एक सिंपल सा क्लोज फिगर होगा जिसको कि हम लोग सेट्स को बनाने के लिए, सेट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज करेंगे। एक्सरसाइज 1C में है, लुक एट द वेन डायग्राम एंड फिल इन द ब्लैंक्स विथ, इसको बोलते हैं एलिमेंट ऑफ, ये होता है नॉट एन एलिमेंट ऑफ, साइन है दोनों। 5 ए का एलिमेंट है, देखो यहाँ पे ए लिखा है, एक सर्कल बनाया है, कुछ नंबर्स अंदर है कुछ बाहर से हैं, जो अंदर होंगे वो इसका एलिमेंट होगा ए का, जो बाहर है वो नहीं होगा। 5 ए का एलिमेंट है, देखो 5 अंदर है तो ये एलिमेंट है ए का, ये साइन कर देंगे। 4 हमारा बाहर है तो ये नॉट एन एलिमेंट ऑफ होगा। 0 भी अंदर है तो ये एलिमेंट होगा। 2 देखो बाहर है तो नॉट एन एलिमेंट ऑफ ए। 10 सर्कल के अंदर है तो ये हमारा ए का एलिमेंट होगा। आई होप कि समझ में आ रहा होगा, अगर कोई डाउट हो तो कमेंट में बता सकते हो। राइट द सेट ए रिप्रेजेंटेड बाय द वेन डायग्राम इन द टेबुलर फॉर्म। अब इसको हम लोग, ये जो सर्कल बना है इसका नाम है ए, इसको हम लोग को टेबुलर फॉर्म में लिखना है। नाम लिख देंगे सबसे पहले, उसके बाद करके ए के अंदर कौन कौन सा है, यू वी डब्ल्यू एक्स हो गया, ये बस इतना सही करना है। 3 में है, लुक एट द वेन डायग्राम एंड फिल इन द ब्लैंक्स। देखो वेन डायग्राम दिया है, ओवरलैपिंग सर्कल्स है जिसने बताए थे अभी पीछे, जब समझाए थे वही यहाँ पे हम लोग को बनाना है। 1 जो है वो ए का एलिमेंट है, देखो है एक ये वाला सर्कल ए है, ये वाला सर्कल बी है, तो 1 जो है वो ए वाले में आता है तो ये इसका एलिमेंट है। 2 में क्या है, 4 बी का एलिमेंट है, 4 बी देखो ये है सर्कल इस साइड, देखो 4 तो यहाँ पे ए वाले में आ रहा है ना, तो ये नॉट एन एलिमेंट ऑफ बी। 2 किसका एलिमेंट है, 2 हमारा क्या बी में। 7 एलिमेंट ऑफ किसका, 7 ए का एलिमेंट है ये। 6 इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ, 6 किसका एलिमेंट नहीं है, तो 6 देखो बी में है ना, यानी कि ए का एलिमेंट नहीं है। 8 इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ, 8 भी देखो बी में आ गया तो ए का एलिमेंट नहीं है ये। डैश एलिमेंट ऑफ ए एंड बी, कौन सा नंबर है जो कि ए का भी एलिमेंट है बी का भी एलिमेंट है, देखो ये यहाँ पे 10 दोनों में आ जा रहे वो। 4 एलिमेंट ऑफ डैश बट नॉट एन एलिमेंट ऑफ किसका,
फोर हमारा ए में आता है, तो फोर ए का एलिमेंट है बट बी का नहीं, क्योंकि बी में नहीं आ रहा है। क्वेश्चन नंबर फोर में देखो, राइट द सेट्स ए एंड बी इन द टेबुलर फॉर्म। इसको हम लोग को टेबुलर फॉर्म में लिखना है। तो देखो ए जो है, अब यहाँ पे देखो एक चीज़ समझना, एक सर्कल है, इसके अंदर भी एक सर्कल है, तो ए में है ना ये दोनों आ जाएगा, इस सर्कल का भी आ जाएगा, इस सर्कल का भी आ जाएगा, ठीक है, ए में दोनों आ जाएगा। तो ए बी सी डी एंड ई, ए का क्या हो जाएगा हमारा, ए बी सी डी, ये ए का आ गया हमारे, ठीक है। अब बी का भी बताना है, तो बी में कौन सा आएगा, सिर्फ डी एंड ई, ठीक है। यहां पे देखो अब ए का क्या होगा, ए में कौन सा एलिमेंट है, टू फोर एंड सिक्स। बी में कौन सा एलिमेंट है, ये तो बहुत इजी है, फाइव टेन एंड फिफ्टीन। फाइव में है, राइट द सेट्स पी एंड क्यू इन द टेबुलर फॉर्म। पी और क्यू को हम लोग को टेबुलर फॉर्म में लिखना है, वही सेम जो ऊपर किए थे वही यहाँ पे, बस यहाँ पे ओवरलैपिंग सर्कल्स है। पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, वन टू थ्री फोर। क्यू का क्या हो जाएगा, वन टू फाइव सिक्स सेवन, ठीक है। ये दोनों नंबर इन दोनों में आ रहा है, तो इन दोनों में ये यूज हुआ है, ठीक है। ये पी वाले पार्ट में भी आ रहा है एंड क्यू वाले पार्ट में भी आ रहा है, दैट्स व्हाई। राइट द सेट्स ए एंड बी इन द टेबुलर फॉर्म। ए बी को टेबुलर फॉर्म लिखना है, सही सेम क्वेश्चन ही रिपीट करे बार बार। ए का क्या हो जाएगा हमारा, वन एंड टू। देखो छोटा सा सर्कल, इसका नाम है ए, इसका हो जाएगा वन टू बस। बी का क्या होगा, बी के अंदर ये सारा, ये जो छोटा वाला सर्कल ये भी बी के अंदर ही है, तो हम लोग इसको भी इंक्लूड करेंगे जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में बनाए थे। क्या हो जाएगा, वन टू थ्री फोर फाइव, इसमें सब आ जाएगा। इसमें देखो ए का क्या होगा, ए बी एंड सी। बी का क्या होगा, आई और यू बस। देखो सेवन में है, ये जो हमारा दिया हुआ टेबुलर फॉर्म है, इसको हम लोग को वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले एक सर्कल बना दिए पहले से ही, इसका नाम हम लोग दे देते हैं ए। अब इसके अंदर पॉइंट कर दो, मान लो ये हो गया जीरो थ्री सिक्स नाइन, हो गया बस। सेकेंड में आते हैं, इसका नाम दे दो ए। इसके अंदर एक पॉइंट बना के पी, एक पॉइंट बना के क्यू आर बस। एक्स सच दैट एक्स एलिमेंट ऑफ एन यानी नेचुरल नंबर्स एंड एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ फोर लेस देन 20। एक्स जो होगा वो हमारा फोर का मल्टीपल्स होगा 20 से कम का। तो सबसे पहले हम लोग इसका नाम दे देते हैं ए। 20 से कम फोर का मल्टीपल कौन कौन सा होगा हमारा, तो सबसे पहले तो फोर ही हो जाएगा, पॉइंट बना के फोर। देन क्या होगा, एट, फिर ट्वेल्व और फिर सिक्सटीन। सिक्सटीन की बात तो नहीं, वो तो फिर 20 से ज़्यादा हो जाएगा, और लेस देन 20 लिखा नहीं, यानी कि 20 भी इंक्लूड नहीं होगा, क्योंकि लेस देन 20 है, तो 20 से कम वाला ये सारा है। एक्स सच दैट एक्स इज अ लेटर ऑफ द वर्ड भारत। तो इसमें देखो ये होगा सबसे पहले बी एच ए आर, ए को नहीं लिखेंगे क्योंकि ये रिपीटेड नहीं होता है, एंड टी बी एच ए आर एन एक बचा टी, ठीक है, इसका नाम एक्स दे दिए। क्वेश्चन नंबर एट है, शो द सेट्स ए एंड बी इन द सेम वेन डायग्राम इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। वेन डायग्राम है, ए और बी को हम लोग को सेम में दिखाना है, यानी कि एक ओवरलैपिंग सर्कल बना दिए। इसका नाम कर देते हैं हम लोग ए, इसका नाम कर देते हैं बी, ठीक है। ए में कौन कौन सा है, सेवन थ्री फोर, सेवन कर दिए यहाँ पे, यहाँ पे कर दिए थ्री, इधर कर देते हैं फोर, ठीक है, क्योंकि देखो फोर इसमें भी है एंड इसमें भी है, तो इसको ऐसे जगह पे लिखेंगे कि दोनों सर्कल को कवर कर ले, तो दोनों सर्कल में आ जाइए। देन बी का क्या है, टू और है सिक्स।
देखो इसका 2 और 6 बी में आ गया एंड 4 यहाँ पे एंड 4 यहाँ पे, यानी कि 4 दोनों को कवर कर ले रहा है और बाकी दोनों का अलग अलग जो नंबर्स था वो लिखती है। इसमें देखो ए का वैल्यू ये है, बी का वैल्यू ये है और इसको हम लोग को रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तो बड़े वाले सर्कल को हम लोग ए ले लेंगे, इसमें करेंगे पॉइंट देखिए 1। देखो यहाँ पे 2 3 4, 2 3 4 ये बी में भी है ए में भी है, तो ये अंदर वाला बी था हमारा, यहाँ ले लेंगे 2 3 4, बाकी बचा कौन सा 5। तो अब देखो जो बड़ा वाला जो सर्कल है इसमें सारा अंदर वाला सर्कल भी आ गया, तो 1 2 3 4 5 इसका आ गया एंड बी का क्या था 2 3 4, तो बी के अंदर बस 2 3 एंड 4, ठीक है। ए है, ए इसका नाम देखिए इसमें कर देते हैं ए बी सी डी। बी का ये है ई एफ जी, हो गया। आई होप कि वीडियो समझ में आएगा और इससे रिलेटेड कोई भी डाउट नहीं होगा। अगर डाउट होता है तो कमेंट में बता देना। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करके शेयर जरूर से कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।